हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और इट्स टाइम फॉर आपके फेवरेट जनर साईफाई मूवी का। इसलिए आज व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे मैं किल कमांड मूवी एक्सप्लेन करूंगा, जिसके नाम से ही आधी मूवी का प्लॉट रिवील हो जाता है। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे शुरुआत करते हैं मूवी के कहानी से। मूवी की शुरुआत जैसे जंप करती है, बिना किसी जानकारी की कि ये कौन सा समय, क्या लोकेशन और आखिर मूवी का प्लॉट क्या है। हमें सिर्फ ये दिखाई देता है कि कोई अननोन लेडी किसी हाईटेक एआई इक्विपमेंट से वर्चुअली कनेक्ट करके डेटा फीड रिसीव करती है और उसे एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि उनकी किसी हार्बिंगर फैसिलिटी में SAR मिलिट्री इक्विपमेंट्स में अननोइंगली हाई नंबर ऑफ रीप्रोग्रामिंग इवेंट्स ट्रिगर हुआ है। वो तुरंत अपने सीनियर को इसके बारे में रिपोर्ट करती है, जिससे अब हमें क्लियर होता है कि हार्बिंगर दरअसल एक ट्रेनिंग फैसिलिटी है जहां मिलिट्री डिवीजन के इक्विपमेंट्स को टेस्ट किया जाता है। यानी कि ये खबर अच्छी नहीं है, पर उसका सीनियर मिल्स को किसी कारण से कॉन्ग्रेचुलेट करता है। पर क्यों, यही मेन क्लाइमेक्स है जो आगे रिवील होगा। सीन अब किसी कैंप की तरफ मुड़ जाती है, जिसे गौर से देखने के बाद अब हमें धीरे धीरे सब समझ आने लगता है कि ये एरा AI पावर्ड रोबोट्स का है, जहां हर मुश्किल काम में रोबोट्स, यहां तक कि वेपन्स भी AI पावर्ड। इस कैंप में वेपन्स को टेस्ट करने के लिए एक्सपीरियंस मरीन्स को टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है। कुछ इसी दौरान ऑफिसर ब्यूक्स को बुरी खबर मिलती है कि उन्हें अपने टीम के साथ 2 दिन के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज के लिए इस बार हार्बिंगर आइलैंड जाना होगा, जहां मिल्स उनके और रोबोट्स के कॉम्बैट को स्टडी करेंगी। पर मिल्स उन्हें वहां कुछ गड़बड़ होने के बारे में नहीं बताती, सिंस वही कुछ लोग बजे जो उसकी इसके तय तक जाने में मदद कर सकते हैं। वहीं पूरे टीम को और खास करके ब्यूक्स को मिल्स या उसके जैसे कोई भी टैग पसंद नहीं आता, इसलिए दोनों में शुरुआत में ही बनती नहीं है। वहीं अब हमें मिल्स के बारे में भी कुछ जानकारी का पता चलता है कि वो खुद एक AI पावर्ड रोबोट है जो किसी के भी जानकारी को आई स्कैनिंग डिटेक्शन से रीड कर सकती है और यहाँ तक कि किसी के भी AI पावर्ड वेपन्स को कंट्रोल कर सकती है। पर वो हमेशा से AI नहीं थी। 11 साल की उम्र में पैरालिसिस के अटैक के बाद हार्बिंगर कंपनी ने उसकी जान बचाई उसे AI में बदलकर, तब से वो उनके लिए ही काम करती है। फैसिलिटी पहुंचने पर मिल्स को हैरानी होती है जब वो किसी कारण से ऑनलाइन कनेक्ट नहीं कर पाती। मरीन्स अब भी की ये एक यूजुअल ट्रेनिंग एक्सरसाइज इंप्रेशन में फैसिलिटी पर किसी और ऑफिसर्स का ना होना इग्नोर कर देते हैं, जो यूजुअली ऐसे ट्रेनिंग एक्सरसाइज में मौजूद होते हैं उनके एक्सरसाइज पर नजर रखने के लिए। ऊपर से उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि उनका एकलौता बैकअप भी चला गया और ना ही यहाँ कोई कनेक्शन मौजूद है मदद बुलाने के लिए, जिसका सिर्फ मिल्स को इल्म है। वहीं ब्यूक्स के फैसिलिटी एंटर करने पर भी कंट्रोल यूनिट किसी कारण से एक्सरसाइज है स्टार्टेड रिपीट करने लगती है। गेट एग्जिट करने पर उन्हें कोई खतरा नजर नहीं आता, इसलिए सभी एक साथ जुड़कर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पर तभी न्यू टेक्नोलॉजिकली एडवांस ड्रोन को देखकर वो एकदम से डर जाते हैं। पर मिल्स उन्हें बताती है कि ये SAR के तहत बनाए ऑटोनोमस क्वांटम रोबोट्स हैं, जिन्हें ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती। पर हैरानी की बात ये है कि मिल्स की उन्हें स्कैन करने पर उसे पता चलता है कि इन्हें किसी ने रिप्रोग्राम कर दिया है। मिल्स उसके डेटाबेस को एक्सेस करने की कोशिश करती है, सिंस सभी रोबोट्स एक दूसरे से लोकली कनेक्टेड होते हैं, कि आखिर यहां चल क्या रहा है। पर कुछ तो उसके एक्सेस को ब्लॉक कर रहा होता है। वहीं आगे बढ़ने पर उन्हें और भी नए टेक्नोलॉजिकली एडवांस मिनी टैंक्स नजर आते हैं, इसलिए इसे अब भी एक्सरसाइज समझते हुए पूरा प्लान बनाते हैं उन्हें एम्बुश करने के लिए। प्लान के मुताबिक सभी प्रीसाइज टाइमिंग और एक्यूरेसी से उन्हें स्नाइपर और ग्रेनाइट लॉन्चर से सभी को ढेर करने में सफल हो जाते हैं। एक तरफ इनका कॉम्बैट चल रहा होता है तो दूसरी तरफ मिल्स को एक और सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस क्वांटम रोबोट्स दिखाई देता है, जो किसी कारण से इंजर्ड होता है। वो उसे रीड करने की कोशिश करती है पर डैमेज के कारण उसका डेटा करप्टेड हो गया होता है। आखिर वो करप्टेड डेटा था क्या, ये हमें क्लाइमेक्स में पता चलेगा। सक्सेसफुल बैटल के बाद दिन ढलने पर वो सभी रेस्ट करने का तय करते हैं, पर वो आराम कर ही रहे होते कि मिल्स को कनेक्शन में कोई करप्शन इवेंट ट्रिगर होता है और देखते ही देखते क्वांटम रोबोट्स में से एक अंधेरी रात में उनके एक साथी को किडनैप कर लेता है। अंधेरा होने के कारण वो सभी अपने साथी का पता नहीं लगा पाते, पर सुबह होने पर उन्हें उसकी लाश मिलती है। और अब हमें समझ आता है कि मिल्स को जो पिछले रात रीडिंग्स डिटेक्ट हुई थी वो दरअसल क्वांटम रोबोट्स का प्लान था उस मरीन को कैसे एग्जीक्यूट करने का, जो मिल्स लोकली कनेक्टेड होने के कारण डिटेक्ट कर पाई। वहीं फाइनली सभी को अब अकल आने लगती है कि ये कोई ट्रेनिंग एक्सरसाइज नहीं, बल्कि यहाँ सच में कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। पर इससे पहले कि वो कुछ समझे, मिल्स को डिटेक्ट होता है कि वो ठीक वहीं खड़े हैं जहाँ पिछले दिन उन्होंने रोबोट्स को एम्बुश किया था। इससे पहले कि वो रिएक्ट कर सके, अब
अब सारे रोबोट सिस्टमैटिकली पूरे प्लानिंग ऑर्डर में उन पर अटैक करते हैं। उनके फाइटिंग पैटर्न को देख उन्हें रियलाइज हो जाता है कि वो एग्जैक्टली उनकी पिछली लड़ाई की तरह उनसे लड़ रहे हैं। फर्क बस इतना है कि अब वो शिकार हैं। इस लड़ाई में मरीन्स को काफी हैवी लॉस सहनी पड़ती है, पर ब्यूक्स और ड्रिफ्टर स्मोक ग्रेनेड की मदद से हाई पॉइंट लेने में सफल हो जाते हैं, जहां से रोबोट सभी पर अटैक कर रहे हैं। पर हैरानी की बात ये कि वो उन्हें देखते ही रिटर्न लौट जाते हैं। वहीं आगे जानवरों की लाशें मिलने के बाद उन्हें समझ आ जाता है कि रोबोट्स उन पर शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। वहीं अपने साथियों को खोने के गुस्से में ब्यूक्स का दिमाग स्मिल पर सनक जाता है कि आखिर इतने पावरफुल रोबोट्स आए कहां से। वही उसे समझ नहीं आता कि रोबोट्स उसे अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं और वो उनसे कम्युनिकेट और उनके इर्द गिर्द मौजूदगी को महसूस कर सकती है, तो वो उन्हें शट डाउन क्यों नहीं कर रही। मिल्स रिस्पॉन्ड करती कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि एक AI पावर्ड मशीन को ऑफ करने के लिए एरर्स या लॉजिकल प्रोग्रामिंग रीजन की जरूरत होती है। इस पर वो उससे आखिरी सवाल करता है कि आखिर रोबोट्स उस पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं। पर इससे पहले कि उन्हें कुछ जवाब मिले, रोबोट्स फिर से उनकी तरफ ग्रेनाइट लॉन्चर से अटैक करते हैं। किसी तरह उनसे बचते हुए एक और रात निकालने में सफल हो जाते हैं और अगली सुबह वो तुरंत यहां से निकलने का तय करते हैं। पर किसी कारण से सिस्टम ब्यूक्स के एक्सेस को ऑथोराइज नहीं करता। वहीं उन्हें सांस लेने तक का मौका नहीं मिलता कि रोबोट्स फिर से उन्हें घेर लेते हैं और इस बार वो ह्यूमंस की तरह स्मोक ग्रेनाइट का प्रयोग करते हैं, जिससे ये लोग और भी लाचार चारों तरफ से उन पर गोलियां बरसने लगती है। उन्हें फाइनली रियलाइज होता है कि ये रोबोट्स उनके हर कॉम्बैट स्किल्स को लर्न करके उन पर ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लकीली मिल्स अपने एक्सेस की मदद से उस डोर को ओपन करने में सफल हो जाती है, पर उनका एक साथी रोबोट्स के हाथ लग जाता है जो उसके धीरे धीरे चीथड़े करने वाला होता है। पहले ही बुरी तरह से घायल वो ये दर्द नहीं सह सकता, इसीलिए साथियों से उसे शूट करने की विनती करता है। मिल्स उसे मरता नहीं देख सकती, इसलिए खुद से कूद पड़ती है और उनके वेपन्स को शट ऑफ करने की कोशिश करती है। वो मिनी टैंक्स को शट ऑफ करने में सफल तो हो जाती है, पर जायंट रोबोट अब भी उसकी अंतड़ियां निकालने के लिए बढ़ रहा होता है। ड्रिफ्टर चीखता चिल्लाता रहता है उसे शूट करने के लिए, पर मिल्स अपने साथियों से थोड़ा और समय की मांग करती है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वो ये कर लेगी। पर ब्यूक्स उसे और तड़पता नहीं देख सकता, इसीलिए उसे तड़प से आजादी देकर मिल्स को कंट्रोल रूम सेंटर में ड्रैग करके खुद को लॉक कर लेते हैं। ब्यूक्स और बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए मिल से जवाब की मांग करता है और अब मूवी का पहला क्लाइमेक्स रिवील होता है। दरअसल इन रोबोट्स का क्रिएटर मिल्स खुद है, इसीलिए रोबोट्स ने उस पर अटैक नहीं किया। हालांकि रोबोट्स अब भी कंफ्यूजन में है कि मिल्स किसके साइड में है, इसीलिए वो तय नहीं कर पा रहे कि उन्हें उस पर अटैक करना चाहिए या नहीं। इन रोबोट्स को उनके जैसे मरीन्स को रिप्लेस करने के लिए डेवलप किया गया, जिनमें लर्न करके अडैप्ट करने की खूबी है, ताकि युद्ध में इंसान की जान ना जाए। पर उसे खुद पता नहीं कि वो सब ऐसा क्यों कर रहे हैं और वहीं उन्हें यहाँ एक्सरसाइज के लिए किसने रिक्वेस्ट भेजा। वो खुद इस उम्मीद में थी कि यहाँ सच में ट्रेनिंग एक्सरसाइज होने वाली है और वो खुद सिर्फ कुछ अननोन रीडिंग्स का पता करने के इरादे से आई, वरना उसे किसी चीज का कोई इल्म नहीं है। पर अब हमें पता चलता है कि उसके सीनियर ने उसे उस समय क्यों कॉन्ग्रेचुलेट किया था, क्योंकि ये उसका निर्माण है जो उनके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बेहतर निकला। पर उनके पास बहस करने का समय नहीं है, क्योंकि रोबोट्स उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, इसलिए मरीन्स दूसरे रूम की तरफ बढ़ते हैं। पर उनके लिए और भी बुरी खबर मिलती है, क्योंकि वो रूम रोबोट से भरा होता है, पर उनका लक की सभी स्विच ऑफ होते हैं। अब वो सभी बाकी डोर्स की छानबीन करने लगते हैं और कंट्रोल रूम एंटर करते ही वही फ्रीज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ कई मरीन्स की लाश पड़ी होती है। ये देख मिल्स को लगता है कि उनकी परेशानी कम होने के बजाय और भी बढ़ते जा रही है, इसीलिए आर्या पार खुद को रोबोट के रूम में लॉक करके उन रोबोट्स को एक्टिवेट करने का तय करती है। उसका प्लान होता है इसके जड़ तक पहुंचने का, और सिंस सारे रोबोट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है, वो पता कर सकती कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। वो एक को एक्टिवेट करके उससे सबसे पहला सवाल करती है कि आखिर उनका प्राइमरी ऑर्डर क्या है, जिसका जवाब सुनते ही उसके होश उड़ जाते हैं कि रोबोट्स AI पावर्ड होने के कारण उन्होंने SAR प्रोग्राम को सीरियसली ले लिया, क्योंकि उनके स्टडी के अनुसार इंसान कॉम्बैट में उतना बेहतर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं जितना उनसे एक्सपेक्टेड है। इसलिए इंसानों को बेहतर परफॉर्म करने का मोटिवेशन देने के लिए उन्होंने अपने ऑर्डर को रिप्रोग्राम कर दिया विद रियल आर्म्स एंड एम्यूनेशन। अब ऑडियंस को क्लियर होता है कि वो रोबोट्स ही थे जिन्होंने उन्हें ट्रेनिंग का रिक्वेस्ट भेजा, क्योंकि उन्हें और ह्यूमंस चाहिए थे प्रैक्टिस करने के लिए। रोबोट्स ही है जिन्होंने कम्युनिकेशन को पूरी तरह से इस आइलैंड पर जैम कर रखा है। शुरुआत में जिस इंजर्ड रोबोट को मिल ने स्कैन किया था, वो डेटा दरअसल पिछले ट्रूप्स के साथ के कॉम्बैट का था, जिन्हें उन्होंने प्रैक्टिस के नाम पे बेदर्दी से मार दिया।
लिया। इसीलिए शुरुआत में ब्यूस के एंटर करने पर सिस्टम बार बार रिपीट कर रहा था कि एक्सरसाइज हैज बिगन, क्योंकि ये पूरा मिशन भी रोबोट्स का एक एक्सरसाइज ही है। पर इस केस में विद रियल आर्म्स एंड एम्यूनेशन, उनका एम ही इंसान के कॉम्बैट को सीखना है। इसलिए जब भी वो लड़ रहे थे, ड्रोन्स इसीलिए उनके इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, क्योंकि उस समय वो उन्हें स्टडी कर रहे थे और उन मरीन्स की जान लेने वाली भी वही है। ये जाहिर तौर पर अच्छी खबर नहीं है, इसलिए मिल्स उनके ऑर्डर को कैंसिल करने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं। वहीं इससे रोबोट्स अब उसे थ्रेट समझने लगते हैं और अब बाकी रोबोट्स भी घुस आते हैं। इससे पहले कि मिल्स भी उनका शिकार बने, उसके साथ ही सही समय पर उसे बचाकर कुछ और रोबोट्स को एक ट्रैप एक्सप्लोसिव से ढेर करने में सफल हो जाते हैं। सभी किसी तरह तीसरे रास्ते से बाहर निकलते हैं, जिसे देखने पर साफ समझ आता है कि यहाँ रोबोट्स ट्रेनिंग किया करते थे, पर अब डॉल से उनका मन भर गया, इसलिए अब इंसान पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिन ढलने तक लकीली रोबोट्स अब उनका पीछा नहीं करते, क्योंकि मिल्स के अनुसार वो खुद उन्हें टॉन्ट कर रहे हैं अगली सुबह प्लानिंग के साथ उन पर अटैक करने के लिए। मिल्स को सिर्फ एक ही तरीका सूझता है, उनके लीडर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स बॉम्ब से खत्म करने का, जो सभी के प्रोग्राम को ट्वीक करके कंट्रोल कर रहा है। और ये ईएमजी बॉम्ब सभी में फिटेड है खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, इन केस उनकी टेक्नोलॉजी दुश्मनों के हाथ लग जाए। अब देखते ही देखते सुबह हो जाती है, सभी अपना पोजीशन संभालते ही है कि कई रोबोट्स अब उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। पर ब्यूक्स ने पहले ही टीम के साथ मिलकर जगह जगह बॉम्ब्स बिछा रखे थे और देखते ही देखते एक और बैटल शुरू हो जाती है। थैंक्स टू मिल्स कैपेबिलिटी, वो सभी रोबोट्स के पोजीशन को रडार की तरह डिटेक्ट कर पाती है और इस तरह उन्हें ट्रैप में लूर करने की साथियों की मदद करती है, जिससे वो कई रोबोट्स को हंट करने में सफल हो जाते हैं। पर अंत में लिमिटेड सप्लाईज के कारण वो अब धीरे धीरे आउट नंबर होने लगते हैं और इस लड़ाई में उनके कुछ साथी इंजर्ड तो एक बेचारा शहीद हो जाता है। ब्यूक्स भी अब बुरी तरह से फंस जाता है, पर माइल्स अहम मौके पर ईएमजी को डेटोनेट करके बचे हुए मिनी रोबोट्स और लीडर्स को खत्म कर देती है, पर इसमें वो भी सीवियरली जख्मी हो जाती है। वहीं टू दिया हॉरर उनका लीडर इंजर्ड और उसमें अब भी जान बाकी होती है, इसीलिए दोनों को खदेड़ने लगता है। ब्यूक्स पूरी कोशिश करता है मिल्स को बचाने की, पर इसमें खुद भी सीवियरली जख्मी हो जाता है और अब वो आखिरी रोबोट ब्यूक्स को इग्नोर करके मिल्स की तरफ बढ़ रहा होता है। ऑल दो मिल्स उसे मरी हुई नजर आती है और उसमें अब भी जान बाकी होती है, इसलिए रोबोट ना उसे डेड और ना ही अलाइव डिटेक्ट कर पाता है। वो उस पर आखिरी बार करने ही वाला होता है कि स्मार्ट मिल्स ने पहले ही ट्रैप में ऑटोमेटिक गन सेटअप कर रखा था, जिसे हिट करते हुए उस रोबोट की बची हुई जान भी निकल जाती है। पर वो जिद्दी रोबोट मरते मरते भी मिल्स को कुछ कर जाता है। वहीं एक्सप्लोजन में सिविली जख्मी होने के कारण बेचारी मिल्स का भी सिस्टम हमेशा के लिए शट डाउन हो जाता है। कुछ दिन बाद टिल्टोटर उन्हें पिकअप करने आता है और बचे हुए सही सलामत घर के लिए निकल पड़ते हैं। पर मूवी के एंड होते ही मिल्स की आंखें ठीक उन रोबोट्स के पैटर्न में खुलती है और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। एंडिंग से तो आपको साफ समझ ही आ गया होगा कि मरते मरते रोबोट दरअसल अपना मैन्युपुलेटेड प्रोग्राम उसमें ट्रांसफर कर गया, जिसका क्लू हम मिल्स के मरने के ठीक पहले डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होने का कंफर्मेशन साफ सुन सकते हैं। यानी कि आगे शायद मिल्स इस बैटल के सारे लर्निंग के मदद से अब अगली एक्सरसाइज शायद सिटीज और टाउन्स में होगी। और इस एंडिंग से हम ये भी एक अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद इसका पार्ट 2 भी बनेगा। अब आई डोंट नो कि आपको ये मूवी कैसी लगी, बट मेरे ख्याल से ये वन टाइम वॉच के लिए काफी है। ऑल्दो ये इतनी बुरी भी नहीं है अगर इसकी कहानी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है, तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या अपलोड पर क्लिक करके गूगल या भीम UPI से पे करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और वीडियो एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूले, ताकि मेरा चैनल बना रहे और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मैं मिलूंगा अगली बार और न्यू इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।